लुई 16 फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। फ्रांस में जब फ्रांसिस रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पर लुई 16 ही शासन कर रहा था। वह 1774 में फ्रांस का शासक बना था और वह जब फ्रांस का शासक बना तो उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और उसे फ्रांस जैसे विशाल साम्राज्य को चलाने जैसी योग्यता और अनुभव नहीं था उसके पास। इसी कारण वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। लुई 16 अपनी पत्नी के हाथ का कठपुतली था। उसकी पत्नी जो कहती थी वो ऐसा करता था। उसकी पत्नी फिजूल के खर्चे करती थी जिसका असर राजकोष पर पड़ता था और धीरे धीरे राजकोष खाली हो गया। उसके बाद लुई 16 ने आम जनता पर कर बढ़ा दिए जिससे आम जनता परेशान होकर उग्र हो गई और फ्रांसिस रेवोल्यूशन शुरू हो गया। रिवोल्यूशन के बाद लुई 16 पर देशद्रोह का आरोप लगाकर 38 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई।